तो आई दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसे आप लोग का कमेंट का एग्जाम हो चुका है आज, तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब तक आएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आ चुका है, तो आप साइड वाइज डेटा भी चेक कर सकते हैं। तो 14 को आपका प्रोविजनल आंसर किया जाएगा जेईई के जैसे, 16 तक आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर कुछ गलती दिखता है आपका आंसर की में। फिर 21 को आपका फाइनल आंसर किया जाएगा, जिसके बेसिस पे 24 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये था शेड्यूल कॉमेंट के एग्जाम के बाद जो आपका डेट्स आएगा और फाइनल जो रिजल्ट आएगा रैंक के रूप में, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। काउंसलिंग में टाइम लगेगा क्योंकि केसेट और कॉमेट के दोनों एक साथ चलते हैं, सीट शेयरिंग पे डिसाइड करना होता है क्योंकि सेम कॉलेज दोनों काउंसलिंग से फील होते हैं, तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा क्योंकि केसेट वाले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो वो जैसे ही अपडेट आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और आपको किसी भी तरह का काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए कॉमेट के या केसेट, बिटसेट, ACCC, VIT, मणिपाल, SRM सारे के लिए गाइड करेंगे अभी से एडमिशन तक। जो सा CSAB या फिर JEE मेंस के बेसिस पर जो भी काउंसलिंग है सारे के लिए आपको गाइडेंस मिलेगा। आप चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है और नेक्स्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं मेरे गाइडेंस के बारे में क्या क्या मिलेगा आपको उसमें। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा। इससे कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए, नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, दोसा, CSAB, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, MSC CT, VIT, मणिपाल, कॉमेट के, ACCC, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।